भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर बनाएगी। गोरखपुर में इस बार समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। आज बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और जिस बात पर सबकी नजरें थी वो थी सीएम योगी की सीट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ये खबर नहीं है, बड़ा संदेश है। बीजेपी ने लंबी जद्दोजहद और मंथन के बाद यूपी चुनाव 2022 के लिए पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की और इस सूची में योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल होने से ये साफ हो गया कि पार्टी ने चुनावी रणनीति को साफ कर दिया है। योगी एक बार फिर प्रदेश में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने स्वयं चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की थी और ऐसे में उनकी सीट को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब उन कयासों पर विराम लग गया है। सीएम योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आ गए और सीएम योगी को गोरखपुर सीट के लिए चुने जाने पर जमकर उन पर तंज कसा और कहा कि योगी अब गोरखपुर में ही रहेंगे। नहीं, अभी तो कोई बात ही नहीं ऐसी, अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे तो आपके आने से पहले मुझे पता लगा कि उन्हें गोरखपुर से लड़ाया जा रहा है और मैं तो ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर पहले ही भेज दिया, अभी तो जनता को भेजना था उन्हें घर। गोरखपुर में इस बार समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। जो मुख्यमंत्री वहां मेट्रो न चला पाए हो, पहली घोषणा आप याद करो, आप में से अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करना, जिस समय मुख्यमंत्री जी झांसी पहुंचे उन्होंने कहा कि सरकार बन गई है, झांसी में मेट्रो होगी और गोरखपुर में मेट्रो होगी। तो जो मुख्यमंत्री अपने घर में मेट्रो न चला पाए हो, जो मुख्यमंत्री अपने यहां सीवर लाइन न बिछा पाए हो, इस बार भी लोगों को नाव से चलना पड़ा, सोचो गोरखपुर में। और जिस मुख्यमंत्री ने बिजली महंगी कर दी, बेरोजगार न जाने कितनी बार लाठी खाए गोरखपुर में, इस बार गोरखपुर की जनता इनको सबक सिखाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सीएम योगी का टिकट तो फाइनल हो गया, अब अखिलेश यादव पर सबकी नजरें हैं। उनके चुनाव लड़ने को लेकर लगातार संशय बना हुआ है। फिलहाल अखिलेश यादव ने अपने चुनाव लड़ने पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सीएम योगी पर जो तंज कसा उस पर जनता की कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देशराज कहते हैं, चाचे को स्टूल पर बैठाकर पहरे पर खड़ा कर संकेत मिल गया है कि सपा का क्या होगा, 50 सीटों से ऊपर नहीं मिलने वाली इस बार भी। मीनाक्षी कहती है, एक और योगी जी मोदी जी का परिवार और एक और समाजवादी पार्टी का परिवार, अब फैसला उत्तर प्रदेश की जनता को करना है कि उत्तर प्रदेश का विकास करना है या फिर घोटाला करना है। तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी, जातिवाद छोड़कर विकास के रास्ते पर चलिए, अंधे होकर जातिवाद का समर्थन बंद करो। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, अगर सपा की सरकार आएगी तो यूपी में गुंडों की बहार आएगी, दंगाई की ललकार आएगी, जहां हिंदू कम है वहां से उनकी चीख पुकार आएगी। यूपी का चुनाव राम भक्तों पर फूल बरसाने वाले वर्सेज राम भक्तों पर गोली चलाने वाले के बीच है, सरकार किसकी बनेगी इसका फैसला जनता को करना है। और इस तरह के तमाम ट्विटर यूजर अखिलेश यादव के इस तंज पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।